नमस्कार मित्रों, 100 साल तक कौन जीना चाहता है? या मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि 100 साल तक कौन नहीं जीना चाहता है? हर व्यक्ति जीना चाहता है, लंबी उम्र पाना चाहता है, लेकिन हमने बहुत सारी अभी आप खबरों में देखी होगी कि 40 साल का 50 साल का व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल है, आगे बढ़ रहा है और रोज जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अचानक उसका हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ और समस्या आती है, खत्म। तो वैज्ञानिकों ने बड़ा इस पर शोध किया और देखा कि कौन ऐसे लोग हैं जो लंबी उम्र प्राप्त कर रहे हैं और लंबी उम्र तक जी रहे हैं, और उन्होंने क्या खास बात है उनके लाइफ स्टाइल में, उनके जीने की शैली में। और एक और बात देखी गई कि दुनिया में, पृथ्वी पर जो है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वाभाविक रूप से लोगों की लंबी उम्र है, 100 साल बहुत सारे लोग जी रहे हैं। तो उनको देखा गया, उनके आधार पर बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए, उन वैज्ञानिकों ने कुछ देखा और कुछ मैंने भी देखा। तो आज आपके सामने है 9 सिद्धांत जिनको आप अपना करके लंबी उम्र पा सकते हैं या कहें तो 100 साल तक जी सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है, घूमिए फिरिए, चालू रखिए स्वाभाविक रूप से। ऐसा नहीं कि ऐसा एक्सरसाइज करनी है कि जिंदगी पर आ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए, नहीं, लेकिन आपको सक्रिय रहना, सक्रिय रहना है। दिन भर आप ऑफिस में बैठे, बीच बीच में उठिए, लंबी फोन कॉल आए टहल टहल के अटेंड कीजिए, कुछ न कुछ करते रहिए, बीच में ब्रेक मिला है ब्रेक लेते रहिए और उसमें अपने को सक्रिय रखिए। हाथ पैर ऐसे चलाइए, पैरों को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कीजिए, कुछ कीजिए, उठिए बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए, सक्रियता बनाए रखिए। और मैंने देखा है जो 90 साल के ऊपर, बहुत सारे मेरे क्लाइंट भी हैं, जुड़े हुए लोग हैं, मित्र भी रहे हैं, जो है मुझसे ज्यादा उम्र होने के बावजूद वो हमेशा सक्रिय रहे। MDH के जो दादाजी थे, जो है वो मैंने उनको देखा है 90 साल से ज्यादा उम्र में सुबह सुबह पंजाबी म्यूजिक बजा करके, भंगड़े की म्यूजिक एक्सरसाइज करते हुए। अब ऐसे बहुत सारे लोग का नाम ले सकता हूं मैं। तो इसलिए सक्रिय रहिए, कुछ ना कुछ करिए। दूसरा फार्मूला, अपनी खान पान में जो पौधों पर आधारित भोजन है, शाकाहार है, उसको ज्यादा जगह दीजिए। मांसाहार, अगर आप मांसाहारी हैं खाइए, लेकिन कम करते जाइए। जितना आपका पौधों पर आधारित भोजन होगा, जितना शाकाहार होगा, आप विश्वास मानिए आपकी उम्र लंबी होगी। तीसरा सिद्धांत, 80% का खान पान में 80% का सिद्धांत, 80% रूल को फॉलो कीजिए, जिससे आपको लगे कि आप जितना खा सकते हो उसका 80% आपने खा लिया है, वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। लगे कि खा सकते हैं तभी रुकिए। कभी कभी पार्टी, बहुत मजा आ रहा है खाने पीने में, पूरा पेट भर खाया, दबा के खाया, भूख से ज्यादा खा लिया, 1-2 महीने 4 महीने में चलता है। सामान्य रूप से भी खाना खा रहे हैं 80%, 3/4 हमारे शास्त्रों में तो 75% कहा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने 80% कहा, दोनों एक ही बात लगभग कर रहे हैं। चौथा सिद्धांत, अपने जो प्यारे लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको आगे रखिए आप। और अधिकतर देखा वैज्ञानिकों ने कि जो लोग 100 साल से ज्यादा जिए, वो उन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपने अभिभावकों का, मां बाप का बहुत ध्यान रखा था। अपने मां बाप का ध्यान रखिए, उनका समय दीजिए, पत्नी के मिले मुस्कुराइए, पति मिले मुस्कुराइए, बच्चों को हक कीजिए, प्यार कीजिए, उनको समय दीजिए। एक पत्नी व्रति या एक पति व्रति रहिए, धोखा मत दीजिए संबंधों में। आप देखेंगे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, और इसमें शिकायत मत कीजिए, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया, मेरी पत्नी या पति क्या कर रहे हैं, बच्चे तो किसी काम के नहीं है, छोड़िए। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं उनके लिए नहीं देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा करना है। अब अगला सिद्धांत क्या है, पांचवा सिद्धांत, कि अपना सर्किल बनाइए, अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए, और कुछ ऐसा बनाइए जो किसी बात पर, किसी स्वार्थ पर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, गप सप कीजिए। यहां तक मैंने देखा वैज्ञानिकों ने देखा कि जो हल्का फुल्का कभी कभी ड्रिंक उंक करने, शराब पीने बैठ जाते हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन पैदा होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ड्रिंक करके धुत हो जाइए, कभी कभी ऐसे बैठ सकते हैं साथ में, या ड्रिंक अच्छा है, साथ में बैठ के ध्यान कर रहे हैं,
भजन गा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ऐसे ही बैठ करके पैर हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, साइकिलिंग करने साथ में जा रहे हैं, यहां तक कि कोई धार्मिक एक्टिविटी अगर आप करते हैं बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा इस्कान वालों को, रविशंकर के फॉलोअर्स को लंबी उम्र पाते हुए, जब वो हरे रामा हरे कृष्णा धाम धाम करके करते हैं अलग ही माहौल बनता है। धार्मिक क्रियाओं में ध्यान दीजिए, अगर किसी ऐसी संस्था में आप जाते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा होती, गालियां दी जा रही है, दूसरे धर्म वालों गाली दी जा रही है, बुरी बुरी बातें की जा रही है, तनावपूर्ण बातें की जा रही है, वहां आपकी उम्र नहीं बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली। ध्यान दीजिए ये जो मैं बता रहा हूं, आप देखिए कि वो मजे में हो रहा है, मजे आप कर रहे हैं वहां पर, कि रोग आ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। शिकायत वाला धर्म नहीं, बुराई वाला धर्म नहीं, धर्म आनंद, क्योंकि ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद। छठा सिद्धांत है लेट गो, जाने दो। ये सब आप कर रहे थे जो मैंने पांच सिद्धांत बताए, फिर भी देखिए जीवन बहुत तनावपूर्ण हो जाता है कभी कभी, बहुत बार आपकी जीवन में चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो क्या करना है, आप बदल सकते हैं, आपको मालूम है कि जो कुछ हो रहा है बदल नहीं सकते, तो जाने दो। सबसे अच्छा सिद्धांत है, सबसे अच्छा सिद्धांत है अगर आप कि ध्यान, किसी के ध्यान की प्रणाली समझ लें, लेकिन कभी कभी बहुत तमाम में ध्यान भी नहीं हो पाता है। सबसे सरल मैं बता रहा हूं, गहरी सांस लीजिए और तेजी से निकाल दीजिए, जाने दो, जाने दो। इस तरह से अगर आप करेंगे देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होने लगेगा। अब सातवां सिद्धांत, नींद, निद्रा, स्लीप, इसका बहुत ध्यान रखना है। पहले जमाने में आप जो दैनिक दिनचर्या थी वह सूर्य के प्रकाश से संचालित होती थी। सूर्य जब अस्त होता था उसके बाद थोड़ी देर बाद सो जाते थे और भोर होने से पहले ब्रह्ममुहूर्त उठ जाते थे। असंभव नहीं है, लेकिन इतना आपको करना है कि 6 घंटे से 8 घंटे की नींद पूरी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 3 घंटे के सोते हैं, श्री श्री रविशंकर 3 घंटे सोते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव 3 घंटे सोते हैं, आप वो नहीं है। अगर आप 3 घंटे 2 घंटे बिना सोए काम चला रहे हैं, इट्स फाइन, करिए, लेकिन अगर नहीं कर, मैं आपको सलाह दूंगा 6 घंटे से 8 घंटे की नींद, यह आपकी बॉडी को रिकवरी मोड में ले जाता है, रिपेयर होते हैं चीजें जो है, जो कमियां होती है पूरा प्रकृति पूरी करती है। 6 घंटे अधेड़ उम्र के हैं, जवान हैं, बच्चे और बूढ़ों को मैं सलाह देता हूं जैसा मैंने देखा 8 घंटे, ठीक है ना। अब आठवां सिद्धांत, पढ़िए, ज्ञान अर्जन कीजिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए या ज्ञानपूर्ण बातें सुनिए, कुछ नहीं तो YouTube पर कुछ सीखिए। बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने, अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ सीखते रहे, बातें करते रहे, जानकारी लेते रहे और वह उनकी उम्र बढ़ाते। किताबें सकारात्मक पढ़िए, कुछ लर्निंग कीजिए, कुछ न कुछ ऐसा कीजिए जिसमें सीखने का मौका मिले। नहीं तो ज्ञानपूर्ण धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, महाभारत, गीता, गीता पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखेंगे आप कुछ न कुछ नई बातें निकल के आएंगी। नौवां सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण, आप क्यों है जानिए, क्यों आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, और इसको करने का सबसे बड़ा है, सबसे सही समय है सुबह उठते। इसके लिए जापान में एक इकाई का सिद्धांत बनाया गया है, जो 4 चीजें आपके महत्वपूर्ण होती हैं, जिस काम को करने में आपको मजा आता है वह पैशन है, जिस काम को करने में सबसे कुशल हैं आप, आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, और जो काम करने से दुनिया का भला होता है वो आपका मिशन है, और जो काम करने को आपको पैसे मिलते हैं वो आपका वोकेशन है, रोजी रोटी है। अगर इनमें से 2 या 3 को एक साथ मिला देंगे जिंदगी का मजा आ जाएगा। अगर नहीं मिला पा रहे हैं, इन चारों को कुछ न कुछ एक बार जरूर कीजिए दिन में, और सुबह ही निर्णय कर लीजिए कि आज मैं ऐसा क्या काम एक करने वाला हूं जिसमें मजा आने वाला है, ऐसा क्या काम करने वाला हूं जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा क्या काम करने वाला हूं जिससे दुनिया का भला हो सकता है, ऐसा क्या काम कर वाला हूं जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं। 4 काम अगर कर लिया आपने, जिंदगी
कम से कम तो नवा सिद्धांत था, इन नौ सिद्धांत करिए, विश्वास मानिए, जिंदगी लंबी और मजेदार दोनों हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्ण अष्टदेव।